दुनिया में जितने इन्वेंशन हो रहे हैं, तुम में से किसी ने इतनी हस्ती पैदा कर ली है कि वो पैदा हुआ और तुरंत दे दोगे? अरे अमिताभ बच्चन नहीं दे पा रहा, शाहरुख नहीं दे पा रहा, तुरंत कुछ आया और तुरंत दे दोगे ऐसा है? रोज लाखों चीजें लॉन्च होती हैं, रात को जो तुम लिए हो सवेरे पुराना हो जाता है। ये बड़ा संगीन बाजारवाद का चक्र है जिसमें भारत को फंसा करके, भारत की संस्कृति जो संतोष की थी, जो धर्म का था, हम ऐसे सर करके चलते थे, विश्वगुरु कहलाते थे, उसको कुचल देने की संस्कृति मैकोले की व्यवस्था, और ये बाजारवाद में मॉडलों का खेल, इस खेल ने बदल दिया पूरे भारत को। हमारी ज्ञान, हमारी प्रज्ञान बदल गई, वरना वेद शास्त्रों से हम जाने जाते थे, शास्त्रों के अध्ययन से हमारा नाम होता था, मंत्रों के आधार पर हम जानते थे, सेरिडॉन की गोलियां जो नहीं करती थी हमारे मंत्र वो काम करते थे, जो ऑपरेशन काम नहीं करते थे वो हमारे योग कर लेते थे। योग तब तक फेमस नहीं हुआ जब तक अमेरिका का ए उसमें नहीं लगा, योगा। टट्टू हैं हम, पिट्ठू, सब लौट के आएगा लंदन से तब मानेंगे, अमेरिका से। योग बेचारा इतना पुराना हमारा, कोई नहीं माना। योगा कहां रहा? हम लोग योगा क्लास करने का थे। योगा, गोगा, वाट इज योगा? योग। एक अरब 97 करोड़ वर्ष के इतिहास में उसको योग कहा गया। ये कल का पैदा हुआ अमेरिका, उसको योगा कर दिया, तुम उसको अपना लिए। वास्को डिगामा ने पृथ्वी खोजी, भारत खोजा, अमेरिका खोजी, ये खोजा वो खोजा, लल्लू राम पृथ्वी को जल से निकाले कौन? तो फिर क्यों हिंदू कहते हो, क्यों अपने आप को सनातनी कहते हो, क्यों पूजा करते हो, जब मानते ही नहीं, अपने बच्चों को मानने ही नहीं देते? जब 12 अवतार ने पृथ्वी को इन्वेंट किया, खोजा, तो वास्को डिगामा कब से खोजने लगा? इनके 2-3 हजार वर्ष के इतिहास हैं, तुम्हारा इतना पुराना इतिहास है भारतवर्ष का। तुम अपने इतिहास पढ़ाओ अपने बच्चों को, गौरव करने दो उनको। हाँ, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। ये डिगामा फिगामा और ये और वो, मैं किसी का बुरा ही नहीं करता, लेकिन वास्को डिगामा से हमारी पहचान, आइंस्टाइन से हमारी पहचान होगा? आइंस्टाइन, यद्यपि मैंने बता ही दिया आइंस्टाइन ने मरते समय क्या लिखा, लिखा कि अगर रिवर्थ होता है, दोबारा जन्म होता है, क्योंकि मैं तो मानता नहीं होता, अगर होता है और भगवान होते हैं तो यही मांग रहा हूं कि इतनी बुद्धि फिर मत देना मुझे, ये बुद्धि मुझे उलझा के रख दी, मैं बर्बाद हो गया। आइंस्टाइन इतना दुखी मरा था इस दुनिया में, और ये अनपढ़ गंवार हमारे हिंदुस्तान के लोग, माता पिता, बेटा आइंस्टाइन बन जा, अरे बड़ा दुखी मरा था वो, काय को दुखी मारना चाहते अपने बच्चों को आइंस्टाइन बना के? जड़ भरत बोलो, भरत बोलो, मीरा सूर कबीर तुलसी नानक बोलो, तुम्हारे पास नामों की कोई कमी है? ये रोमिला थापर जैसे लोग इतिहास लिख करके तुमको भटका गए, ये 60 साल 70 साल 80 साल के इतिहास में तुम्हें उलझा गए, ग्रीक से आए हुए वर्ड माइथोलॉजी को तुम्हारे भारत के ऊपर लाद दिया, तुम्हें रामायण, तुम्हारे गीता, तुम्हारे महाभारत को माइथोलॉजी बोल दिया, मिथक। कैसे सुनियोजित तरीके से भारत को तुम्हें, हमें नीचा दिखा दिया गया, और हम भारत के संत हैं, भारत में हमारी कथा चल रही है, और हम कथा को भी अगर पैसे का व्यवसाय का अंग बना दे, चार सुनो माध्यम से तो लाखों करोड़ों सुनेंगे, चार सुनो, लेकिन हृदय से सुनो और इंप्लीमेंट करो। कोई करे न करे, तुम इन भेड़ियों के बीच में शेर कभी अकेला महसूस नहीं करता, भारत सिंह है, या आसपास के चंद रिश्तेदार, उनके चक्कर में कहीं अपने बच्चों के संस्कार मत बिगाड़ लेना, उन्हीं की तरह अपने बच्चों का लालन पालन मत करने लगना। अगर तुम्हारे घर में संस्कार सत्संग की सभ्यता है, उसे बढ़ाते जाना, उसे बढ़ाते जाना। हर व्यक्ति, हर बच्चा पेट पालने में, ईश्वर ने जन्म दिया है तो पेट पाल ही लेगा,
पेट पालने के लिए, पेट पालने के लिए थोड़ी जिंदा है, जिंदा है इसलिए पेट पालना पड़ता है। पहले तो मेजर कॉन्सेप्ट तो बदल लो पहले अपने। हम जिंदा हैं, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है कि खाने के लिए जिंदा है? पर जरा तुम देखो, खाने के लिए तो जिंदा हो ना, वरना अनाज में कितने पैसे लगते हैं, प्लेट्स में और डाइनिंग टेबल में जितने पैसे लगते हैं उससे तुम्हारे स्टैंडर्ड बनते हैं। तुम्हारे घर में आकर के कोई तुम्हें जलील करके चला जाता है कि आप लोग ओल्ड मॉडल का डाइनिंग टेबल रखे हैं, उसी समय तुम्हारे घर में गोबर से लिपा हुआ और सुंदर ये लगी हुई है फूस की पट्टी, और उसमें बैठ करके पत्ते पे खा रहे हो, उसका बाप देख के, उसके दादा देख के तुमसे शर्मा जाएंगे। आप लोग ऐसे खाते हैं? बोला ये हमारी संस्कृति है।